हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक कप सूजी से लाजवाब रेसिपी कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए ही हम आपको ले चलते हैं अपने प्यारे से किचन में और दिखाते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। लिया है एक कप बराबर सूजी, आप देख सकते हैं, और इसे हम आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यू रेसिपी बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है खोआ सोडा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफाइंड लिए हैं, दूध लिए हैं और चीनी लिए हैं। तो दोस्तों इतनी ही कम सामग्री से हम आपको बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनाकर दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में न्यू है, आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनने जा रहा है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। हमने कढ़ाई गर्म कर लिया है, एक छोटी कटोरी हमने लिया है चीनी जिसे हम बनाएंगे इसका चाशनी, और इसी से नापकर हम ऐड करेंगे इतना ही पानी। आप देख सकते हैं एक कटोरी हमने चीनी लिया है और एक कटोरी हमने पानी लिया है, और इसी के हिसाब से हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारा चाशनी जो है अच्छा बन के तैयार हो। दोस्तों चीनी और पानी को हमने कितने अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से चलाकर हम बिल्कुल 2-3 मिनट तक इसे अच्छे तरह से, जब तक इसमें इसका चाशनी जो चिपचिपा बन के ना तैयार हो, हम इसे आराम से चलाते रहेंगे, चला रहे हैं ताकि हमारा चीनी जो है नीचे की तरफ लगे नहीं, नहीं तो हमारा चाशनी जो है खराब हो सकता है और इससे हमारा रेसिपी भी खराब हो जाएगा दोस्तों। तो घबराएं नहीं आप, इसे थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा, इसे बिल्कुल बराबर ऐसे ही चलाकर और चाशनी को तैयार करें। आप चाहें तो चाशनी में इलायची का भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास, आप चाहें तो इसमें केसर भी हल्का सा ऐड कर सकते हैं, इससे जो हमारा कलर जो है और बढ़िया बन के तैयार होगा और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आएगा। बट हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, इससे हमारा जो रेसिपी है वो बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो हमें चाशनी को उतना नहीं पकाना है कि मतलब ये लच्छा बनने लगे, ताकि उस टाइप से हमें नहीं पकाना है, हमें इसे बिल्कुल चिपचिपा हल्का रखना है ताकि हमारा जो रेसिपी है वो अच्छा बन सके। हम हल्का सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा चाशनी जो है जाकर वहाँ जमे नहीं, अगर आपके पास हो तो जरूर ऐड करिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा चाशनी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं ये हल्का चिपचिपा हो गया है, देख रहे हैं ना दोस्तों। हम कढ़ाई को नीचे रख देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फिर से एक दूसरी कढ़ाई ली है और यहाँ पे हमने रख, फाइनली जो है हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल रिफाइन। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप करू तेल इसमें न डालें, अगर आपके पास रिफाइन है तो रिफाइन ऐड करें और घी है तो घी में फ्राई करें। दोस्तों आप अगर घी में बनाते हैं तो ये रेसिपी और ही अच्छा होगा। गर्म कर लेंगे तेल को, तो आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तेल में, और इसे हम बराबर चला के ऐसे ही भूनेंगे ताकि हमारा सूजी जो है लगे नहीं, नहीं तो हमारा रेसिपी जो है खराब हो सकता है दोस्तों। और इसे हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सूजी को बिल्कुल 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है और हम इसमें अब ऐड करेंगे दूध। दोस्तों जितना ही हम सूजी लिए थे उतना ही हम दूध इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों दूध से जो है हमारा रेसिपी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा दोस्तों, और हम इसमें अच्छे तरीके से दूध को मिक्स कर देंगे। दोस्तों हम इसमें हल्का हल्का दूध ऐड करके इसे अच्छे तरह से भूनते रहेंगे ताकि हमारा जो जो रेसिपी बन रहा है इसमें घुटली ना हो, सूजी जो है हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसमें दूध अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। इनको हम हल्का मीडियम रखेंगे दोस्तों ताकि हमारा सूजी जो है जले नहीं और ये अच्छे से पक जाए, और इसे हम ऐसे करके बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो है हमारा सूजी जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, और इसे हम बिल्कुल बराबर चलाकर दोस्तों इसे एकदम काट जैसा बना देंगे, जैसे हम हलवे को तैयार करते हैं वैसे हम कर देंगे। दोस्तों जब हमारा सूजी अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये कढ़ाई से अपने ही छोड़ने लगेगा चारों तरफ से, ये जो लग रहा है चारों तरफ वो नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा सूजी जो है कढ़ाई से अलग हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले ये चारों तरफ लग गया था, अब ये पूरा चिकना हो गया है, और जब हमारा ये रेसिपी बनके तैयार होगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो सूजी का जो रेसिपी बन रहा था वो ऐसे कितने अच्छे तरीके से पूरे कढ़ाई को चिकना कर दिया है। इससे मालूम होता है कि हमारा सूजी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सूजी को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हमारा सूजी जो है अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, और तब इसे हम अच्छे तरीके से इसका शेप तैयार करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे ढक कर रख देंगे, इससे जो है हमारा सूजी में पापड़ा नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सूजी जो है ठंडा हो चुका है और हल्का सा गर्म है, ज्यादा हमने ठंडा नहीं किया है। अब हम इसमें चुटकी भर डालेंगे खवा सोडा। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सूजी में। दोस्तों आप चाहे तो इसमें हल्का सा अगर आपके पास इलायची है तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसे हम अच्छे तरीके से बिल्कुल आटा के तरह इसे हम गूंथ लेंगे हाथों से। आप देख सकते हैं हम इसे कितने अच्छे तरीके से गूंथ रहे हैं ताकि हमारा जो गोली बनता है इसका किसी भी चीज का आप शेप देना चाहते हैं तो इसमें आप उसका शेप दे सकते हैं, इसलिए हम बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आटे की तरह इसे मसल लेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना है, इसमें ज्यादा घी तेल का यूज ना करें, नहीं तो जब हमारा ये रेसिपी का जब फ्राई होता है तो हमारा रेसिपी जो है तेल में जाकर फटने लगता है, इसलिए ज्यादा तेल इसमें ऐड ना करें। और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे तरीके से इस आटे की तरह गूंथ लिया है दोस्तों, हल्का हल्का हमारा चिपचिपा जो हो रहा है हम इसे जब अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे वैसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल आटे की तरह हल्के हाथों से हमने इसे अच्छे तरह से गूंथ लिया है, और इसे हम ऐसे ही गोल बना के रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सूजी को कितनी अच्छे तरीके से गूंथ ली। अब हम फटाफट इसका लोई तैयार करेंगे। अब हम इसका लोई तैयार करेंगे गोल गोल। आप चाहे तो जिस तरह से शेप देना चाहते हो लंबा गोल किसी भी तरह से, तो इसका आप शेप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। और हमने यहाँ पे कितना प्यारा सा लोई लिया और इसे बिल्कुल गोल शेप दिए हैं। तो फाइनली जो है हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली जो है हमने सारे सूजी के अच्छे तरीके से लोई तैयार कर लिए हैं। तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसका फटाफट फ्राई करेंगे। अब हम एक एक इसमें ऐड करेंगे तेल में, हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। दोस्तों हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा जो
ये गोली है वो अंदर से कच्चा ना रहे, इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से उलट पलट कर पकाते रहेंगे। आप देख सकते हैं नीचे वाला भाग है जो वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसलिए हम इसे पलट कर और इसे नीचे कर देंगे जो नहीं पका है उसे, और ऐसे ही करके हम अच्छे तरीके से आराम से इसे पकाएंगे ताकि हमारा सूजी जो है अच्छे तरीके से पक जाए और अंदर की तरफ कच्चा ना रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे तरीके से उलट पुलट कर हमने अच्छे तरीके से इसे पका रहे हैं। दोस्तों ध्यान रहे, दोस्तों हमारा सूजी का जो रेसिपी है ये आप देख सकते हैं गोली जो हमने बनाया है। दोस्तों इसे फ्राई करने में हमें थोड़ा लेट लगता है क्योंकि सूजी का जो रेसिपी होता है वह जल्दी से फ्राई करने पर हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा हमें टाइम लगता है। आप जल्दीबाजी ना करें और इसे आराम से पकाएं ताकि हमारा रसगुल्ला जो बने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो और हमें देखने में लगे कि वाकई हमने रसगुल्ला अच्छा तैयार किया है, जिसे देखने के बाद किसी के मुंह से पानी जरूर ही आ जाना चाहिए। दोस्तों तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितने प्यार से इसे अच्छे तरीके से फ्राई करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर ही दिया है। देखते हैं हमने इसे कितने प्यारे प्यारे और कितना अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फिर से चाशनी को गैस पे रख दिया है और इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसे चाशनी में देख सकते हैं सूजी के बॉल को हमने अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम 2 मिनट तक अच्छे तरीके से उबाल लेंगे ताकि हमारा जो चाशनी है सूजी में अच्छे तरीके से जाकर मिक्स हो जाए, इससे हमारा रसगुल्ला जो है बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। हम इसे हल्का हल्का उलट पुलट देंगे दोनों तरफ से ताकि हमारा चाशनी जो है अच्छे तरीके से ये सूजी में अंदर तक जा सके, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने 2 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से चाशनी को खौला दिया है। वाव, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चाशनी जो है कितने अच्छे से इसमें उबाल आ गया है और हमने गैस को अब ऑफ कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा चाशनी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट रसगुल्ले बन के तैयार हो गए हैं। दोस्तों आपको हमारा ये रसगुल्ला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें आपके पास जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हमने रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो इसे बच्चों के लिए भी आप फटाफट रेडी करके दे सकते हैं, इसे आपके बच्चे जो है बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों आप अपने घर इसे जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन डिश है दोस्तों।